गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सिक्स पैक के ऊपर होने वाले जो कमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो, सिक्स पियर हैज ओनली हीरोइंस नो हीरो। सिक्स पैक के ऊपर कमेंट किया था कि सिक्स पैक के प्लेस में केवल हीरोइंस हैं, हीरो नहीं। अच्छा, ये कमेंट केवल याद रखो कॉमेडीज के लिए हुआ था। ओके, ये किसके लिए था? कॉमेडीज के लिए। तो कॉमेडीज में शेक्सपियर के पास कोई हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं। ये आप कहोगे विलियम ब्लेक का कमेंट है, ब्लेक ने ऐसा कहा। आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ओके, और जीवी शॉ का कमेंट था। जीवी शॉ ने क्या कहा कि आई विश आई कुड राइट, काश मैं भी यानी कहे ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिख पाता। हालांकि आप आओगे तो जीवी शॉ, ओके, जीवी शॉ का भी यानी कहे ड्रामाटिस्ट की लिस्ट में एक अच्छा नेम है। ओके, मोर देन 60, आप कहोगे मोर देन 60 प्लेस लिखे हुए हैं जीवी शॉ ने, और लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ट्वेल्थ नाइट जैसा मैंने प्ले नहीं लिख पाया। ओके, मोर देन 60, 60 से भी ज़्यादा प्ले इन्होंने लिखे हुए हैं, और आप कह सकते हो जीवी शॉ को 1925 में इनको यानी क्या है नोबेल भी मिला हुआ है। ओके, नोबेल भी मिला है इनको, नोबेल प्राइज इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। 60 से भी ज्यादा आप हो गया क्या है इन्होंने प्ले लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ नाइट जैसा कोई प्ले मैंने नहीं लिखवाया। अवर माई राइट माइंडेड सिक्स प्ले, अवर माई राइट, माई राइट कहते हैं इनको ऐसे लाइक यू मैनी, बहुत अधिक, अनेक, शेवरल। ओके, तो अवर माई राइट माइंडेड सिक्स प्लेयर, ये कमेंट कहा किसने? आपको गए एस टी कॉलेज का मानना था कि शेक्सपियर के पास एक नहीं कई दिमाग थे, वो कई अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते थे। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर जो था ना वो किसी एक एज के लिए नहीं है, वो तो सभी एज के लिए है। ये कमेंट किसका है? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर सिर्फ इस एज का नहीं है, बल्कि वो तो हर एज का है, क्योंकि शेक्सपियर ने ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, ह्यूमन बिहेवियर। और आप जानते हो कि ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि यहां इंसान आते जाते रहेंगे तो बिहेवियर भी उनका चलता रहेगा। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये कमेंट आप कहोगे किसका है? जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन ने कहा कि आई एडमायर हिम, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। यहाँ पर ये हिम कौन है? आप कहोगे बेन जॉनसन। ओके, तो ये हिम किसके लिए यूज किया हुआ था? बेन जॉनसन के लिए। कहा है कि आई एडमायर बेन जॉनसन, मैं बेन जॉनसन की तो यार कहे तारीफ करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर से तो मुझे लगाव है, मुझे प्यार है शेक्सपियर से। किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ओके, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, ये किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कोई लिखी थी? शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर क्या है? आप कहोगे एक पोइम है, एक पोइम का नेम भी है शेक्सपियर, और ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी। उसी पोइम की पहली लाइन है, आप कहोगे ओपनिंग लाइन है कि अवर सीनो अवर अदर सवाइड बर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ओके, स्वीट स्वान ऑफ एवर, ये कमेंट किसने दिया? तो आप कहोगे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर क्या है? स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। एवॉन क्या है? तो आप कहोगे एवॉन वो एक रिवर है। एवॉन क्या है? एक रिवर है। शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। एक कमेंट और भी आपने सुना होगा, बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं उसको, बार्ड ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, ये किसने कहा? बेन जॉनसन ने। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड, देयर इज नो थर्ड। देयर इज नो थर्ड बिटवीन देम। क्या है? दांते और शेक्सपियर ने इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को दो भागों में बांट रखा है। एक साइड में शेक्सपियर हैं तो दूसरी साइड में दांते हैं। तीसरा कोई पॉइंट है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड, कोई तीसरा तो है ही नहीं। ये किसने कहा? T.S. Eliot ने। तो Eliot ने कहा कि वे शेक्सपियर और दांते तो ऐसे कवि हैं,
तो ऐसे यानी क्या है कवि है कि इन्होंने पूरे इस मॉडर्न वर्ल्ड को दो भागों में बांट रखा है, एक साइड में दांते हैं तो दूसरी साइड में शेक्सपियर है, अब कोई तीसरे का तो नंबर ही नहीं उसमें, देयर इज नो थर्ड, टीएस इलियट ने कहा। नेचर हरसेल्फ यू नो वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉयड टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। क्या मतलब है, नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड, अरे प्रकृति को खुद को भी क्या होगा, गर्व होगा, किस बात पर, ऑफ हिज डिजाइन, कि उसने शेक्सपियर जैसे व्यक्ति को डिजाइन किया, इस प्रकृति में शेक्सपियर जैसे व्यक्ति को डिजाइन किया, इस बात पर प्रकृति को भी गर्व होगा एंड जॉयड, और वो भी खुशियां मनाती होगी, किसकी वजह से, वी आर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइंस, जिस प्रकार से शेक्सपियर ने अपनी लाइनों को लिखा हुआ है, जिस प्रकार से उसने अपनी लाइनों को ड्रेस किया है, उस प्रकार से यानी उसको देख करके तो प्रकृति को भी अपने आप पर यानी गर्व महसूस होता होगा और वो भी खुशियां मनाती होगी। ये भी कमेंट किसका है, तो आप कहोगे बेन जॉनसन का। नेक्स्ट है लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, अच्छा ये कमेंट भी आप कहोगे बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ यू नो शेक्सपियर, बेन जॉनसन जो था शेक्सपियर का कंटेम्पोररी था, उसका फ्रेंड था, उसने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के कमेंट किए हैं। अच्छा यहाँ पर ये आप देखोगे तो क्या है, ये एक नेगेटिव कमेंट है, बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर को क्या है लिटिल लैटिन, थोड़ा सा लैटिन आता है एंड लेस ग्रीक, और आपको थोड़े से ही उसको ग्रीक आती है, अभी तो शेक्सपियर को आता ही क्या है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये कमेंट भी आपको बेन जॉनसन ने किया। नेक्स्ट लाइन है I don't remember I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Okay, ये किसने कहा? कि क्या मतलब है? देखो, I don't remember, मुझे याद नहीं, that any book or person, किसी बुक ने या फिर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी घटना ने इन माई लाइफ, मेरे जीवन में इतना प्रभाव नहीं डाला जितना शेक्सपियर के नाटकों ने डाला। ये किसका कमेंट है, किसने कहा? गोथे ने। ओके, गोथे को आप कहोगे वाइजस्ट हेड भी कहा जाता है, वाइजस्ट हेड ऑफ यूरोप। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ने कहा था गोथे को क्या, वाज जस्ट हेड ऑफ यूरोप। ओके, नेक्स्ट लाइन है ऑफ ऑल शेक्सपियर इन प्लेस, शेक्सपियर के जितने प्ले हैं ना उनमें से मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, मैकबेथ जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, रैपिड है, तेज है, एंड हैमलेट इज लोएस्ट, और हैमलेट कैसा है, लोएस्ट है इन मूवमेंट के अंदर, यानी कि स्पीड में अगर देखोगे तो मैकबेथ बहुत जल्दी प्ले, जल्दी चलने वाला प्ले है, और हैमलेट जो है ना वो बहुत धीमे धीमे चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। ये भी किसने कहा? एस्टिक कॉलरिस का ये मानना है। ओके, हनी टंग्ड शेक्सपियर, हनी टंग्ड शेक्सपियर किसने कहा? आपको जॉन बीवर ने। ओके, जॉन बीवर ने कमेंट किया शेक्सपियर को, कहा था हनी टंग, हनी का मतलब जानते हो शहद, टंग का मतलब क्या होता है, जीभ, यानी बहुत ही मीठी जुबान वाला शेक्सपियर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्ट, और क्या है शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छी यह क्या है तरकीब कि जितने भी जीनियस हुए हैं ना उनमें से एक था शेक्सपियर। ओके, अब तक इस धरती पर आप कहोगे अब तक जितने भी जो जीनियस हुए हैं उनमें से एक था, कौन कहते हैं ऐसा, हॉरेस यू नो वर्ल्ड। आप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद आर यू नो फीदर्स, आप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, ये कमेंट किसका है? रॉबर्ट ग्रीन। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन ने आप कहोगे शेक्सपियर को बहुत कमेंट किया। ओके, शेक्सपियर ने शेक्सपियर को यानी रॉबर्ट ग्रीन ने काफ़ी कमेंट किए, और ये भी आप कहोगे यानी क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट है कि आप स्टार्ट करो, मानना था उसका कि शेक्सपियर ने अभी अभी यानी क्या है क्रॉ करना शुरू किया है। ओके, ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, जो कि अभी हमारी पंखों से यानी क्या कर रहा है, उड़ने का प्रयास कर रहा है, सब कुछ हमसे सीखा है और हमसे सीख करके यानी क्या हमको भाग दे रहा है, तो ये कमेंट भी आप कहोगे किसका है? ये कमेंट है रॉबर्ट ग्रीन का। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन जानते हैं रॉबर्ट ग्रीन क्या है? तो रॉबर्ट ग्रीन उस समय के आप कहोगे जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे, यूनिवर्सिटी बिट्स में रॉबर्ट ग्रीन को जो रोमांटिक कॉमेडी है उनका फादर माना जाता है,
और वहीं से शेक्सपियर ने क्या किया था, अपनी कॉमेडी के लिए, अपनी कॉमेडीज के लिए रॉबर्ट ग्रीन को कॉपी किया था, इसलिए उसने इस प्रकार का इनके कमेंट किया। व्हाट नीड्स इन माय शेक्सपियर, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर यू नो फॉर हिज ओनर बोन्स दैट लेवर ऑफ एन इज इन पाइल्ड स्टोन्स। ये लाइन किसकी है, तो आप कहोगे जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी, इसमें आप कहोगे ऑन शेक्सपियर, उन शेक्सपियर कोई में ये बातें, ये लाइन आती है कि व्हाट नीड्स यू नो माय शेक्सपियर, भाई हमारे शेक्सपियर को आखिर जरूरत किस बात की है, फॉर हिज ओनर्ड बोन्स, अरे उसकी जो बोन्स हैं वो तो पहले से ही बहुत सम्मान पाई हुई है इस दुनिया में, उन्हें सब कोई जानता है, तो फिर उनके लिए कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने की भला क्या जरूरत है, उन्हें किसी एनकैपाइल्ड का मतलब होता है ढेर कर देना, इकट्ठा कर देना, स्टोन्स का मतलब पत्थरों में, कि कोई पत्थरों को इकट्ठा करके उनके लिए मॉन्यूमेंट्स बना दो, वो शेक्सपियर के लिए कोई सम्मानित नहीं हो सकता, क्योंकि शेक्सपियर ने उससे ज्यादा कहीं सम्मान वैसे पाया हुआ है। ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, ये किसका कमेंट है, तो आप कहोगे डब्ल्यू जी लॉन्ग। डब्ल्यू जी लॉन्ग ने कहा था कि अगर एक शब्द में अगर हम शेक्सपियर को कह पाए तो आप कह सकते हो कि ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, वो एक सांसारिक कवि है, ओके, वो एक सांसारिक कवि है, वो एक यानी कि ब्रह्मांडिक कवि है, तो डब्ल्यू जी लॉन्ग ने कहा। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम शेक्सपियर के बारे में सिर्फ कह सकते हैं क्या, दैट नेवर हैज ए मैन, कि शेक्सपियर जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने क्या किया था, टर्न सो लिटिल नॉलेज, बहुत ही कम ज्ञान को शेक्सपियर ने क्या किया था, बहुत ही कम ज्ञान को शेक्सपियर ने टू सच ए ग्रेट अकाउंट, एक बहुत बड़े ज्ञान के अकाउंट में बदल दिया था, ऐसा पहला व्यक्ति था। और ऐसा कहने वाले कौन है, टी एस इलियट ने कहा कि शेक्सपियर के पास ज्ञान नहीं था, जना शेक्सपियर इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी ज्ञान था उस ज्ञान का उसने यूज बहुत बेहतर किया है, ज्ञान तो ज्यादा नहीं था लेकिन जो ज्ञान था उसका यूज बहुत बेहतर तरीके से किया है, यानी कि कम ज्ञान को भी अच्छा तरीके से यूज किया है, ये कमेंट टी एस इलियट का है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, ये लाइन भी आप कहोगे मिल्टन की है और ये भी ऑन शेक्सपियर वाली पोएम से ही है, ओके। डियर सन ऑफ मेमोरी आप कहोगे, यानी क्या है, डियर सन ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी का तो वो सन रहा है, ग्रेट ईयर ऑफ फेम और प्रसिद्धि का बाप हो गए वारिस रहा, ओके, तो उसके पास में तो सब कुछ है, किसने कहा, अ टाइगर शर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर शर्ट, ओके, अ टाइगर शर्ट, टाइगर वाला हार्ट है रैप्ड इन ए प्लेयर शर्ट, लेकिन एक प्लेयर की यानी क्या है रूप में छुपा हुआ है, किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने, ओके, रॉबर्ट ग्रीन, और देखो एक कमेंट ये भी किया था रॉबर्ट ग्रीन ने, ये दोनों ही कमेंट आप कहोगे एक ही बुक में दिए थे, और बुक जानना चाहोगे आप कहोगे इस बुक के अंदर रॉबर्ट ग्रीन ने ये कमेंट भी किया था, क्या कहा था, आप स्टार्ट करो ब्यूटीफाइड विद आवर पीटर्स, ये भी कहा था उसने, अ टाइगर स्विम हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर साइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी क्या कमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें, इन्हें आप तैयार कर लें, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं वो आपको आगे मिलेंगे।